आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। ज्वालापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रवि बहादुर ने बाजी मारी। आपको बता दें कि ज्वालापुर सीट से जीत दर्ज करने के बाद विधायक रवि बहादुर ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेश कर देश में अपने अमन व अमान की दुआ मांगी। इस दौरान विधायक रवि बहादुर ने कहा कि ज्वालापुर की जनता ने जो सम्मान उन्हें दिया है उस पर खरा उतरेंगे। सितारगंज सशस्त्र सीमा बल 97वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में 97वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की हिफाजत देश की सुरक्षा विषय पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ पर एसएसबी के जवानों और महिला बल क्रामिकों द्वारा संदिग्ध सदस्य महिला और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के गुण सिखाए। वहीं वाहिनी की महिला कार्मिकों द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से संबंधित महिला सशक्तिकरण पर आधारित तो विशेष नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश की हिफाजत देश की सुरक्षा विषय पर 57वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट श्री ब्रजपाल सिंह नेगी के निर्देश पर महिलाओं लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और महिलाओं की शिक्षा पर आधारित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर महिलाओं की शिक्षा पर आधारित भाषण रंगोली एवं नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर वाहिनी की संदिग्धा प्रभारी श्री राजश्री करडे एवं अन्य बल कर्मी उपस्थित रहे। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने युवक आनंद की हत्या का खुलासा किया। जहां पुलिस ने कहा कि युवक आनंद की हत्या नहीं हुई थी, घटना की रात आनंद और उसका दोस्त चोरी करने एक फैक्ट्री में घुसे थे, जहां फैक्ट्री के चौकीदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया था। इसी की गोली से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मृतक के दोस्त और चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। जानकारी में जब इन्वेस्टिगेशन में ये आई कि ये आनंद और उसका साथी संजय चोरी के इरादे से मिल में घुसे थे, मिल के जो गनर है उसने उनकी तरफ फायर किया था जो उसके कारण वो इंजर्ड हुआ था और अधिक रक्त स्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई है और इसमें दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम के लिए जो है उच्च अधिकारियों ने उचित इनाम की घोषणा की। खबर चक्राता से है, जहां नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम सिंह अपने गृह नगर त्यूड़ी पहुंचे, जहां ग्रामीणों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थक जोश और उत्साह से भरे नजर आए। वहीं प्रीतम सिंह ने धन्यवाद देते हुए क्षेत्र के विकास और उन्नति की बात की और चक्राता की जनता का आभार प्रकट किया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बीते दिनों खड़खड़ी क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित लाखों की नकदी की चोरी के मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार 9 फरवरी 2022 में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। बड़ी चोरी की घटना हुई थी जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी और एक दो और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी जिनसे कि ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी सीआईयू की टीम है ये इस पर लगी हुई थी और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक चौथा अभियुक्त इसमें अभी फरार है और इनसे करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कैश और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। हो
होली से पहले कोतवाली मसूरी में होली की व्यवस्थाओं को लेकर सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर वार्ता की गई। सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी ने बताया कि होली के पर्व पर शांति व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कहा गया कि मसूरी में सभी व्यवस्थाओं को लेकर व्यापार संघ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। खबर हरिद्वार के धनोरी क्षेत्र के गांव धनोरा से है, जहां शहीद सुनीत सैनी के घर पर सैनी महापंचायत ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू कुमार सैनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बैठक के दौरान महापंचायत के राष्ट्रीय प्रभारी जितिन सैनी बक्सर ने कहा कि हमारे भाई शहीद सुनीत कुमार सैनी जो लगभग 7 महीने पहले शहीद हो चुके थे, लेकिन अभी तक शहीद के परिवार को ना तो नौकरी मिली और ना ही मूर्ति स्थापित हुई, उसी को लेकर यह बैठक की गई है। समाज में संदेश, ये जितने भी युवा साथी बैठे यही संदेश देना चाहेंगे कि अब सबसे पहले शिक्षा की ओर चले, शिक्षा की ओर से आप लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार से 3 परिवार मजबूत होते हैं, खुद का, माँ बाप का और आने वाले पीढ़ी पर जो आपका परिवार है उसका। तो ये युवा साथी से यही कहना चाहूंगा, अपने समाज को बढ़ाने के साथ दें, एक दूसरे को बढ़ावा दें और आपकी हक की लड़ाई सैनी महापंचायत संगठन लड़ेगा और आप आगे बढ़ने का काम करें, सपोर्ट देने का काम सैनी महापंचायत करेगा। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड की देवभूमि का धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से यहाँ सैनी समाज अपना निवास करता है और लगातार अपने समाज के हित के लिए सदैव खड़ा रहता है। और उसी मुहिम में बता दूँ आपको, जो हमारी सुनीत परिवार के लिए मुहिम चल रही है शहीदों को लेकर, जितने भी सैनी समाज के हमारे सपूत शहीद हुए हैं देश के लिए, तो उन सब के लिए मान सम्मान की मांग चल रही है। उसी मांग को लेकर हमने सुनीत के लिए धरना भी दिया था, जिसमें हमें कुछ प्रति कामयाबी मिली है और लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और जितने भी सैनी समाज के मेरे शहीद हैं, सभी भाइयों के लिए ये मुहिम है और सबके लिए प्रयास है कि उन्हें एक सम्मान मिले। और सैनी समाज, उत्तराखंड का देवभूमि का सैनी समाज, मैं आपसे वादा करता हूँ सैनी महापंचायत संगठन के दिशा निर्देश के माध्यम से उन्हें सम्मान दिलाएगा और लगातार प्रयासरत रहेगा। और जो वर्तमान में सत्ता, एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही उत्तराखंड की बचेंद्री पाल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट ए 50 प्लान वुमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन मिशन शुरू कर रही हैं। 50 वर्ष से अधिक 12 महिलाओं के साथ 460 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगी। पड़ोसी देशों से गुजरने वाली इस यात्रा में दल का नेतृत्व बचेंद्री पाल कर रही हैं। भारत को वर्मा से जोड़ने वाली पंगसो दर्रा से 12 मार्च को यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रा असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, कारगिल, नेपाल, म्यांमार तक पैदल चलेगी। दल में शामिल 12 महिलाओं के अलावा 2 सदस्य सपोर्ट टीम के रूप में शामिल हैं। तकरीबन 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर बचेंद्री पाल काफी उत्साहित है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।